दब आपके पास हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी वैरायटी और अच्छे प्राइस का जब उसे लगेगा कि जो मैं पहले जहाँ से प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट से अच्छा ये प्रोडक्ट है प्राइस में भी और क्वालिटी में भी, तभी वो आपको ऑर्डर देगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में। इससे पहले मैंने इसमें 6 पॉइंट बनाए हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका सप्लाई चेन, उसके बाद है स्टॉक के बारे में कि आपको स्टॉक कितना रखना है। नंबर थर्ड है कि स्टार्ट करते समय आपको होलसेलर से बात करनी है या रिटेलर से। उसके बाद है आपको कौन सा प्रोडक्ट, निश प्रोडक्ट को कैसे ढूंढना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि आपको कितनी क्वालिटी रखनी चाहिए, आपको कोई भी किसी भी बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हो। नंबर सिक्स है आपको प्राइस कैसे सेट करना है। आओ चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, वो है सप्लाई चेन। सबसे टॉप पर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट बनाता है। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो प्रोडक्ट को हर जगह सप्लाई करता है। नंबर थर्ड पर आता है ट्रेडर, जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है, जो जब उसके पास कुछ अमाउंट आ जाता है तब वो अपने स्टॉक में रखता है उस प्रोडक्ट को, कि जैसे आता है उसके पास तभी वो सप्लाई कर सके। उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर, और उसके बाद जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है। तो ये है हमारा सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन जो ट्रेडर होता है, नया ट्रेडर, वो उस प्रोडक्ट को ना वो ख़रीदता है और ना वो सप्लाई करने जाता है, जो कि डिलीवर करने जाता है। जैसे होलसेलर अपने प्रोडक्ट को जब मंगाता है तो जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर से उसने कॉन्टैक्ट किया तो वो डायरेक्ट कॉल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट उसके जो होलसेलर की जो शॉप है वहाँ पर वो डिलीवर करवा देगा। उसके बाद वो जो उसका बिल है वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करके पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आता है स्टॉक के बारे में। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टॉक होना चाहिए। स्टार्टिंग में आप ना रखो कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता और आपको मार्केट का पता भी नहीं होता कि आप उस प्रोडक्ट को कैसे सेल होगा, कैसे कितना प्राइस आपको रखना है। प्राइस आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट एक प्रोडक्ट पे चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टार्टिंग में हम रिटेलर को सेल करें या होलसेलर को। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट के लिए आप रिटेलर को सिलेक्ट कर सकते हो। रिटेलर को अपने हर जितने भी आपके आसपास रिटेलर है, जिस जो आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो वही प्रोडक्ट जो रिटेलर सेल करता है उसे आप सेल कर सकते हो। उसके बाद आप होलसेलर को सेल कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं निश प्रोडक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और किस प्रोडक्ट में ज़्यादा मार्जिन होता है और उसमें क्वालिटी क्या क्या रहती है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में हर जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। जब आप रिटेलर को या होलसेलर को प्रोडक्ट दिखाने के लिए जाओगे तब आपके पास हर तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी वैरायटी और अच्छे प्राइस का जब उसे लगेगा कि जो मैं पहले जहाँ से प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ उस प्रोडक्ट से अच्छा ये प्रोडक्ट है प्राइस में भी और क्वालिटी में भी, तभी वो आपको ऑर्डर देगा। नेक्स्ट है आपका प्राइस सेट, कि आपको क्या प्राइस उसमें रखना चाहिए, आपको कितना मार्जिन एक प्रोडक्ट पे आपको लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ही कम प्राइस पे स्टार्ट कर सकते हो। बाद में जैसे आपकी मार्केट बढ़ जाती है तो आप अपने प्रोडक्ट को स्टॉक में भी रखो, क्योंकि जितनी जल्दी डिलीवर होता है उतना अच्छा उन्हें लगता है और आपको ऑर्डर भी जल्दी आने लग जाते हैं। और आपको जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम रखोगे तो आपकी जो मार्केट है वो मार्केट भी बढ़ जाएगी और आपको लोग पहचानने भी लग जाएंगे, क्योंकि
ज़्यादा हाई प्राइस रखते हैं तो मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो लोग नहीं खरीदते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।